नमस्कार, स्वागत है आपका बीसीएन के इस कार्यक्रम में। खास पेशकश में हम आपसे कोरोना के पार्श्वभूमि पर बात कर रहे हैं और पूरा पैनल यहां पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है कि पूरे विदर्भ की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है और किस जगह पर क्या चल रहा है, हम हमारे पैनल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ में है इमरान शेख जो कि बीसीएन के डायरेक्टर, क्षितिज है हमारे रिपोर्टर अमरावती से, चंदू जी है सजोतिया जी जो हमें वहां की जानकारी देते रहेंगे, बल्लू चौहान जी हमारे साथ में है जो चंद्रपुर से है वो भी हमें वहां की जानकारी देंगे। इमरान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या स्थिति बन रही है आज की? ये आज की स्थिति मानी जाए तो आज लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में जो ग्रीन जोन थे वहां कहीं ना कहीं शिथिलता नजर आई। जैसे आप बात करोगे कि चंद्रपुर में भी बल्लू भैया मेरे साथ है, कई जगह दुकानें खुली है। और अगर नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में कुछ दुकानें अल्टरनेट शुरू की है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की अगर बात की जाए, मोबाइल रिपेयरिंग, होम अप्लायंस, उसके साथ ही जो गैरेज होते हैं वो खोले गए हैं अल्टरनेट डे पे। ऑटो स्पेयर्स और ऑटो के जो कंटेनमेंट जोन थे, अगर नागपुर की बात की जाए तो 10 जोन में से 9 जोन जो है कंटेनमेंट जोन में आते हैं, और 9 जोन में अगर हटा दिया जाए कंटेनमेंट जोन, बाकी जगह पूरा मार्केट खुला हुआ नजर आया और काफी लोगों ने भीड़ भी आज की थी। ठीक है इमरान, नागपुर की हम बात करते रहेंगे, क्या आंकड़े इस पर भी बात करेंगे, हम चलते हैं सीधा अमरावती पर। चंदू जी आपका स्वागत है पैनल में, क्या स्थिति है अमरावती की? अमरावती की लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद में बाकी अमरावती शहर में वैसे कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई जो पहले चालू था वही चालू है, जो अभी चालू वही, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। जहाँ बफर जोन था वो बफर जोन अभी भी है, 14 कंटेनमेंट जोन अमरावती में है जहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, और मुख्य बाजार पेट पहले भी बंद था और अभी भी बंद है। जो आसपास की गली मोहल्लों की दुकानें हैं मुख्य बाजार पेट छोड़कर, वो बाजार पहले भी चालू था, अभी भी शुरू है। सुबह 7 से 3 बजे तक मार्केट यहाँ शुरू रहता है, सुबह 7 से 3 तक कहीं पे भी ऐसा लगता नहीं कि कोरोना का डर शायद किसी को होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि 7 से 3 बजे तक कोरोना नींद में रहता है, 3 बजे के बाद वो सो जाता है, इसलिए लोग भी सो जाते हैं। 3 बजे तक, हाँ 3 बजे तक किसी को कोरोना से डर नहीं लगता। तो मेरी आज वही बनपा आयुक्त से बात हुई, जब 3 बजे तक आप चालू रखते हो, दिन भर चालू करने में क्या प्रॉब्लम, कोरोना का कोई ऐसा तो नहीं है कि समय देख के आएगा, क्योंकि चहल पहल पूरी होती है। अब एक लॉकडाउन और क्यों होना चाहिए एक लॉकडाउन भाई? अब कहीं ना कहीं 30 दिन बाद भी कोई इसकी संख्या तो कम होनी नहीं है, संख्या की जो अभी चल रहा है चलते रहना, ठीक है आप 10 दिन में अभी छोड़ दे रहे हो तो आपको एक्टिव वहां पे कम दिखेंगे। वो भी हमने अभी कल से थोड़ा सा बोलना बदल दिया है, हम पहले बोलते थे कि ठीक होके घर भेजे गए, अभी हम ठीक होके घर भेजे नहीं बोलते, हम लोग डिस्चार्ज होके घर बोल रहे हैं। डिस्चार्ज हुआ ठीक हुआ ये पता नहीं है, क्योंकि 10 दिन बाद उसकी टेस्ट वापस नहीं हो रही है। और रही मरीजों की संख्या, तो अमरावती में भी लगातार बढ़ती जा रही है। नया जोन तैयार हुआ हमारे यहाँ पे, अभी मसानगंज करके एरिया, वहां पे कोई नहीं था, लेकिन ये पहले जहाँ ऑलरेडी मरीज आ रहे थे वहां से लग के भाग गए, तो यहाँ पे 11 लोग अभी हो गए। वहां पे लोगों की लापरवाही भी है काफी, लोग है ना, एक अमरावती में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ गिल्ला बड़ा बहुत फेमस है, आपने भी सुना होगा, तो वो मुख्य प्रोडक्शन उस एरिया से होता है गिल्ले बड़े का, तो गिल्ले बड़े का नाश्ता पूरे शहर में वहां से जाता था, तो लोग आते जाते वहां पर कोई संक्रमित आया होगा गया होगा, तो वहां पे 11 लोग अभी कोरोना के संक्रमित टोटल 4 से 5 दिन में वहां पे मिल गए, एक व्यक्ति की उधर मौत भी हो गई थी। तो स्थिति कुल मिला के ऐसा देखा जाए तो कंट्रोल में, जो व्यापार चल रहा है आसपास के सारी दुकानें खुल गई है, एक मुख्य बाजार पेट बंद है, उसके कारण मुख्य बाजार पेट में जो भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं है, लेकिन घरों से लोग पूरे निकल रहे हैं, आना जाना सुबह भी वापस ट्रैफिक जाम सरी की स्थिति यहाँ पे होती है, जो मुख्य बाजार पेट के पास के रोड से राजकमल, जैसे राजापेट राजकमल हो गया। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पे हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया, रोड के काम भी चालू, अच्छी शुरुआत सब चीजों की अच्छी हो गई, धीरे धीरे सभी जगह बन रही है, धीरे धीरे इसके आदि होते हुए इसमें आदत डाल के धीरे धीरे सभी तरफ हमारे तरफ खोलना चालू है। चंदू जी आपने एक बहुत अहम बात की थी कि जो 10वें दिन में जिनको छुट्टी मिल रही है उनको डिस्चार्ज दिया जा रहा है और ठीक होके जा रहे हैं, ये एक डिस्कशन का मुद्दा है, मैं इस पर आता हूं, लेकिन इसके पहले नागपुर के आंकड़े जानते हैं क्षितिजा से। क्षितिजा आप नागपुर के आंकड़ों से बताइए कि क्या आंकड़े इस वक्त बन रहे हैं नागपुर के। नागपुर में 373 जो है पॉजिटिव मरीज है, उनमें से 277 जो है 227 जो है वो घर जा चुके हैं, और 146 जो है वो करंट जिन पे अभी उपचार चालू है ऐसे लोग हैं, और 6000 के आसपास जो लोग हैं क्वारंटाइन किए जा चुके हैं, और दिन ब दिन जो संख्या है मरीजों की बढ़ती जा रही है,
कल भी हमने देखा कि 6-18 ऐसे बढ़ते गए, 2 दिन पहले जो थे 18 से बढ़े, फिर 6 बढ़े, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और 7 जनों की मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है, हम अब चंदू जी और इमरान, हम इस बात पर भी डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो चंदू सर ने जो मुद्दा उठाया है कि 10वें दिन के बाद में जिन लोगों को छुट्टी मिल रही है तो वो उनके बगैर टेस्ट किए वो घर जा रहे हैं, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं आगे चल के? जी हाँ, कहीं ना कहीं थोड़े एक रिस्की जोन मारा जाएगा, नहीं तो ये एक शायद गवर्नमेंट की एक पहल हो कि कोरोना के साथ हमें जीना है। जी हाँ, कोरोना तो खत्म होने से रहा, WHO ने कहा है कि 1-2 साल तो जब तक वैक्सीन नहीं आएंगी तो वो तो खत्म होने से रहा, अगर उसके साथ आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की ढील देना जरूरी है। मगर जो पेशेंट घर में वापस जा रहे हैं, क्या उनका ध्यान बखूबी से रखा जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है कि होम क्वारंटाइन हो रहे हैं या फिर वो कई लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, ये प्रशासन को कहीं ना कहीं नजर रखना चाहिए। और क्या बोलते सर, ये पॉसिबल है प्रशासन के कि वो जो घर में जा रहे हैं उनके पास अच्छे से ध्यान रख पाए वो? देखिए चंदू जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस बारे में, लेकिन मेरा ये जो मानना है कि घर में एक बार जाने के बाद में जहां हम बोल रहे हैं कि प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन ने ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की भी है, कुछ जिम्मेदारियां जो है वो नागरिकों की भी है। आज जैसे लॉकडाउन 4.0 शुरू हुआ तो आज हमने नागपुर की स्थिति देखी कि सुबह से ही ऐसे लग ही नहीं रहा था कि किसी जगह पे लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। आप खुद इस बात के विटनेस हो इमरान, और चंदू जी आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मैंने कहा ना कि सुबह 3 बजे तक कोरोना सोया रहता है, इसलिए किसी को 3 बजे तक का डर है नहीं। हाँ, मतलब तो यही भाषा बोले हम कि 3 बजे तक कोरोना सोया रहता, आपने 3 बजे तक छूट दिए तो पूरे लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। जी सही बात है, और हर किसी को ये लग रहा है कि कोरोना मुझे नहीं हो सकता, शायद अभी भी लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं। जी ये टाइमिंग का मसला सही में एक ध्यान देने वाली बात रहेगी, 3 बजे तक अगर कहा जा रहा है कि 3 बजे तक कोरोना सोता है तो ये तो बिल्कुल एक ध्यान देने, अगर 3 बजे तक है तो 7 बजे तक क्यों नहीं? जैसे नागपुर में तो टाइम की बॉन्डिंग नहीं रखी गई है, नागपुर में टाइम की बॉन्डिंग तो नहीं रखी गई, टाइम की बॉन्डिंग। जैसे पहले आपने 10 दिन का मुद्दा जो उठाया है तो उसमें 2 कारण मुझे मोटा मोटे समझ में आते हैं, या तो सरकार को लग रहा है कि बहुत सारे मरीज आते हैं, हम लोग इतने दिन सबको नहीं रख पाएंगे, इसलिए उनको 10 दिन की एक पॉलिसी बनानी पड़ी अभी ताकि वापस आने वाले मरीजों को जगह मिल सके और 10 दिन में जा सके, और दूसरा जो अभी हम लोग यानी आपके यहाँ का भी शायद वही सिस्टम होगा, हमारे यहाँ का वही सिस्टम है, कोई कोरोना का पॉजिटिव पकड़ गया बोल मैं शब्द यूज कर रहा हूँ जरा, कोई पॉजिटिव तो उसके आसपास के जो लोग है वो टेस्ट किए जाते हैं उसके लिए, लेकिन उसको किससे आए ये कहीं किसी के पास हिस्ट्री नहीं है, और शायद मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री तलाशना इसमें किसी प्रकार से पॉसिबल है, क्योंकि इनका कोई DNA तो होता नहीं कि किससे पहले आया किससे आया नहीं आया, ये तो किससे भी आके किससे भी आपको कन्वर्ट हो सकता है आपके पास में, तो वो चीज नहीं होता हिस्ट्री। और ऐसे कई कैरियर्स गांव में घूम रहे होंगे जो आपकी जानकारी में नहीं है, यदि आप मास टेस्टिंग करेंगे तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा हमारा 111 का है उसको 1100 होने को समय नहीं लगेगा यदि हम मास टेस्टिंग करते। कई कैरियर घूम रहे, जो कैरियर घूमते भी है ठीक भी हो जाते हैं, ये घूमते भी है ठीक हो जाते हैं, गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ा कि घूम रहे ठीक हो जा रहे, तो यही घूमने वाले कुछ लोग पकड़ के हम लोग हॉस्पिटल में रख देते, वही वहां पे ठीक तो ऐसे बाहर भी होते, उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा है, उनसे कोई दूसरे को लगता नहीं कि ज्यादा ये होगी। हमारे साथ में अमरावती के नितिन मोहर जुड़े हुए अभी, ये माजी पुलिस ऑफिसर है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियस है और बहुत अच्छे सोशल वर्क है, पहले सेना से थे, अभी जो पार्टी रहती है उसके विरोध में रहते हैं हमेशा। हाँ, ये इनका है ना विरोधी सभाओं के ये है, ये जुड़ रहे अभी सिटिंग कर रहे हैं, और उनकी जब तक उनसे बात करेंगे, कैमरा जब तक ऑफ कर लो उनका, जब तक वो नहीं होता इमरान भाई सेट नहीं होता, जब तक जब सेट हो जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे उनको। चलिए हम तब तक चंद्रपुर चलते हैं, चंद्रपुर से बल्लू चौहान जी, बल्लू जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। क्या क्या स्थिति है चंद्रपुर की जरा बताएंगे दर्शकों को? चंद्रपुर में अभी तक 2 कोरोना के पेशेंट हैं, जो एक नागपुर भेजा गया है, यानी बाकी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो पहले पेशेंट थे, और दूसरे जो पेशेंट है वो अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। जी अच्छा, चंद्रपुर की स्थिति कैसी है वहाँ की, लॉकडाउन की स्थिति कैसी है? आज से अभी सब जो मार्केट लाइन है वो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के खोली गई है, और सिर्फ एक ही एरिया कंटेनमेंट जोन है अभी, जहाँ पे दूसरा मरीज मिला है बस उसी को सील करके रखा हुआ है।
बाकी पूरे चंद्रपुर में जैसे 4.0 में काफी जो थी दुकानें वगैरह चालू करने को सरकार ने बोल दिया था, तो चंद्रपुर की भी स्थिति वैसी है, दुकानें शॉप्स वगैरह सब चालू है? अभी सब चालू है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के सब शुरू है, सिर्फ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं? नहीं नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और कोरोना का इतना डर भी इन लोगों में दिख नहीं रहा है, जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं वैसा ही कर रहे हैं। ऐसे बाहर से आना जाना ट्रांसपोर्टिंग, तुम्हारे बाहर के आना जाना बसेस वगैरह तो सारी बंद है, व्यापार सिर्फ लोकल के भरोसे चल रहा है, डर नहीं है? लेकिन व्यापार का तो कहीं ना कहीं डर है, व्यापार तो कमजोर हुआ होगा, नहीं हुआ है? देखिए व्यापारियों की स्थिति ऐसी है कि अगर एक मरीज अगर मिलता है तो दूसरे दिन से ही जब 10 से 5 बजे तक जो मार्केट लाइन खुली है वो बंद हो जाती है, यानी फिर से जीवनावश्यक जो वस्तुएं है उसको खरीदने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन फिर दो तीन दिन के बाद में जब स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो फिर से मार्केट लाइन खोल दी जाती है। तो इसमें व्यापारियों को डर है कि कब मार्केट लाइन बंद हो जाए और कब खुल जाए, जिसके कारण मार्केट में भीड़ भी ज्यादा इकट्ठा हो रही है। अब जैसा कि इमरान सर ने इसमें कहा था कि ये अब कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इस बात को अब समझ लेना चाहिए कि जब तक इसका वैक्सीनेशन नहीं निकलता तब तक हम लोग हमको कोरोना के साथ में COVID-19 के साथ में जीने की आदत हमको डाल देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक 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 किसी मरीज की डेथ हो गई तो उसके बाद में कुछ समय तक वो पैनिक सिचुएशन रहती है और फिर अपने आप वो स्थिति जो है सामान्य होते चले जाती है, और यही सभी जगह के हाल है। चंदू सर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमको स्थिति को सामान्य करना ही पड़ेगा और ये स्थिति ऐसी है रहना। आपने जैसा वैक्सीन का बताया, वैक्सीन को भी मुझे लगता है 4 से 5 साल तक पूरा कोई प्रयोग होगा वैक्सीन का, आज आके उस पर प्रयोग होगा उसका फिर इफेक्ट होता नहीं होता, क्योंकि आज आपको कोरोना हो गया तो वापस आपको कोरोना नहीं होगा, ये नहीं है ना, वापस आपको कोरोना हो सकता है, ठीक हो क्या वापस कोरोना हो सकता है, बच्चों को भी कोरोना रहा, बुजुर्ग को हमारे यहाँ 74 साल का बुजुर्ग था उसको वो ठीक हो गए, यानी प्राइमरी स्टेज पे उनको होगा, जब हुआ तो उनको कंट्रोल कर लिया गया। कई व्यक्ति एक हमारे आगे अभी एक पुलिस वाले जो आपके नागपुर में जाके एडमिट है उनकी तबीयत क्रिटिकल है, वहाँ पे ICU में रखा हुआ है, 4 दिन तक प्राइवेट अस्पताल में वो इलाज कराते रहे, प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर को भी जब तक पता नहीं चला उनको कोरोना। तो ये सारी चीज थी, कोरोना क्या है क्या नहीं अभी तक भी कई लोगों को भ्रम है कि कोरोना किस प्रकार होता है। नॉर्मल व्यक्ति को कोरोना होता है, वो घूमते रहता है बाजार में, नहीं पता चलता उसको, वो ठीक भी हो जाता है, और यानी इतनी कोई जितनी आम लोगों आम दूसरी बीमारी है उससे भी लोग मरते हैं, उससे तो इससे भी नहीं मरे, लेकिन इसका जो संक्रमण का पावर है ये 1 से करीब 50 से 60 लोगों को था, तो वो चीज की तकलीफ नहीं, जैसे सरकार ने इसके लिए प्रिकॉशन दिया और लोग लॉकडाउन जो किया हुआ है वो आपकी आदतें बदलने के लिए है, आदतें बदलने के आने वाले आपने आपको आने वाले आदतें बदलने के है, और कहीं ना कहीं जाके इसको हमने कंट्रोल भी किया हुआ है, कहीं ना कहीं रुका हुआ है, चैन रुकी हुई है, यदि चैन नहीं रुकती तो शायद हो सकता है और ज्यादा हमको मुश्किल जाती थी, चैन रुकी हुई है, क्योंकि हम यदि बोलते कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं निकलता तो लॉकडाउन का मतलब तो निकला है, लेकिन अब लॉकडाउन करना शायद अब मतलब नहीं निकलता, पहले के 2 लॉकडाउन ठीक थे, अब 3rd तक ठीक था, अब चौथा, चौथे के बाद में आप 4th लॉकडाउन कब खत्म करोगे, आपको मरीज नहीं मिलेगा, ऐसा कभी आपके साथ में साल भर नहीं होना कि आपको मरीज नहीं मिले, तो क्या आप साल भर तक लॉकडाउन रखें? तो लॉकडाउन खत्म करके आपने इन सबके लिए एक लाइफ स्टाइल के लिए नियम बदल देना, नियम बना देना पड़ता है, जब तक आप नियम नहीं बनाओगे और उसको पालन नहीं करोगे ये लॉकडाउन शायद चलता रहेगा। अब चंदू जी इसमें एक चीज ये है कि सरकार नियम बनाए ये एक पहला मुद्दा है, और उस नियम के ऊपर में जनता चले ये दूसरा मुद्दा है, ये दोनों मुद्दे अब हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जो सरकार ने नियम बनाए, प्रशासन ने नियम बनाए, उसके इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कई सारी दुविधाएं आई सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, और आज के इसमें तो आप देखिए कई जगह पर ऐसा होता आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर में जनता ने हाथ भी उठाए हैं, मारपीट भी पुलिस वालों के साथ में हुई है, तो फिर ये हम सिर्फ प्रशासन को ही दोष दे या जनता की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना इसमें? नहीं, जब तक क्या होता, जब तक कोई चीज का खुद पे हम पे इफेक्ट नहीं होता, हमारी यदि भारतीय संस्कृति को देखो, जब तक हम चीज को परख नहीं लेंगे, हम भुगत नहीं लेंगे, हमको पता नहीं चलता कि इस चीज के नुकसान कितना है, इस चीज से फायदा कितना है, जब तक इस चीज को लेकर लोगों को नुकसान नहीं होगा लोग नहीं समझेंगे। ये मैं बहुत अलग हटके बात कह रहा हूँ कि जब तक लोगों को यानी चोट नहीं पड़ती, जब तक आदमी को तकलीफ नहीं होती तो उस चीज का महत्व नहीं मालूम पड़ता। आज पुलिस की मार हमको दिख रही, लेकिन उस मार के पीछे कारण क्या, पुलिस को तो मारने का शौक नहीं है। आप घर से निकलते हैं, आप 10 लोगों को और खराब नहीं कर दो, पुलिस उसके लिए उस 10 लोगों को बचाने के लिए वहां पुलिस खड़ी है। आप तो संक्रमित हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन आपको भी हो सकता है एक डंडे का निशान पीठ पे पड़ जाए लेकिन आपकी जिंदगी बच जाए।
तो लोगों को समझ, जब तक खुद के घर में हमारे कोई चीज का हादसा नहीं हो जाता, सरकार भी ऐसी, जब तक बड़े हादसे नहीं होता सरकार भी नहीं समझती ना, तो सरकार से लोग कहाँ अलग है। जब तक हम कई जगह के बताते हैं गड्ढा है यहाँ पे, सादी सी बात है गड्ढा, जब तक गड्ढे में गिर के कोई मर नहीं जाता जब तक सरकार नहीं समझती, तो जनता भी सरकार से आगे तो नहीं है, सरकार भी जो है जनता की है आखिर, कहीं ना कहीं पूरी विचारधारा तो उसी की चल रही है। तो ये जब तक इसमें, जब तक एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं प्रॉपरली सुधर पाएंगे। इमरान, नागपुर में भी कई जगह पे ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ, जैसे पुलिस वालों पर हमले होना या पुलिस वालों को सेवा करते करते उनको भी कोरोना की जो है लागण हुई है, तो ये कहीं ना, जैसे चंदू सर बता रहे थे कि अब हमें इस स्थिति से इसको अपना सामान्य जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा आगे, आपकी टिप्पणी। अगर देश को आगे बढ़ाना है, आगे अर्थव्यवस्था लेके जानी है, तो हमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। WHO ने भी बोल दिया कि आने वाले एक दो साल तो अपने को कोरोना को लेके आगे बढ़ना है, तो ये आदत सबको बनानी पड़ेगी। जब तक अपन ये आदत बनाएंगे नहीं, तब तक रूटीन तरीके से अपन जी नहीं पाएंगे। अगर अगर लॉकडाउन एक उसका सलूशन नहीं है, अगर लॉकडाउन लेके हम अगर बैठ गए, लॉकडाउन बंद कर दिए, तो जो मिडिल क्लास जो तबका है, जो जिस तरह से उनको अभी सामना करना पड़ रहा है, कई आपने देखे कि दो दिन में कई क्राइम भी नागपुर में नजर आए, कहीं ना कहीं इसी विषय को लेके लॉकडाउन क्राइम नजर आए। जैसे कि आपने देखा कि वर्धमान नगर में एक जब लॉकडाउन के साथ हमने जीना नहीं सीख लिया, तो कहीं ना कहीं सबको इसका एक बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा, क्राइम बढ़ जाएगा। तो मिडल बिल्कुल सही बात, हर इसको इस तरह से लेके जहां प्रशासन अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा है, तो प्रशासन का जनता ने भी उसी प्रोपोर्शन में, मैं ये सिर्फ नागपुर के पूरे देशवासियों के लिए ये एक आह्वान है कि हम एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि जहां पर आने वाली परिस्थिति कैसी होगी इसका प्रिडिक्शन आज हम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि प्रिकॉशंस हम किस तरह से ले और किस तरह से हम हमारे घर को सुरक्षित रखें, एक समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, इतनी जिम्मेदारी हमारी जरूर बनती है। अब हम इसको किस तरह से इस परिस्थिति का सामना करते हैं, प्रत्येक इंडिविजुअल की मैं बात करूंगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जिम्मेदारी को किस तरह से वहन करता है, इससे आने वाले उस शहर की प्रतिमा, उस देश की प्रतिमा आने वाले समय में उजागर होगी। क्या 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 कहना है आपका इस पर चंदू जी? नहीं, आपने जो कहा प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन केबिन में बैठ के पॉलिसी बना रही है, केबिन में बैठ के पॉलिसी बनाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना उनके पास में पूरा, अभी कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि इतना स्टाफ और इतनी सारी पोजीशन है। एक तो कर दिए कि स्टाफ की तरफ से कम काम करो, आप कम स्टाफ में जाओ, आपका काम का बोझा पूरा पुलिस पे और डॉक्टर्स पे है। बाकी जो प्रशासन है, कारपोरेशन, तीन सिस्टम काम कर रही है, कारपोरेशन कर रही है, जिलाधिकारी कार्यालय कर रहा है, पुलिस कर रहा है, अब तीनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना, हमारे यहाँ जैसे कोऑर्डिनेशन है कहीं कहीं लेकिन चूकता है। फिर प्रशासन ने बना दिया कि बफर जोन को वापस, यानी बफर जोन वाले बफर जोन के बाहर नहीं जाए, इसकी जो पॉलिसी बनानी पड़ेगी पुलिस को बनानी पड़ेगी, उस एरिया को कैसे करना है पुलिस को करना पड़ेगा। पुलिस, प्रशासन, मनपा, ये सारे जब तीनों प्रशासन एक साथ में मिलकर काम करेंगे, तभी शायद हम लोग उसमें प्रॉपर उसको भी कर पाएंगे। क्योंकि अब जनता से भी, जनता देखो, जनता को नियम तो सारे बने हुए हैं, मर्डर नहीं करना लेकिन करते हैं, नियम नहीं तोड़ना लेकिन तोड़ते हैं, इन सारी चीजों को हटके जनता का, जब प्रशासन का जब दबाव पड़ेगा जनता पे, और दबाव बिना दंडात्मक प्रक्रिया के नहीं पड़ता, इतनी बड़ी महामारी है इसमें दंडात्मक प्रोविजन करना चाहिए। मैंने तो कहा, आज बात करते करते ये भी कहा कि यदि ये बार बार लॉकडाउन के बजाय यदि 15 दिन का आप ऐसा कर्फ्यू लगा दो, 15 दिन बाहर नहीं, 15 दिन सिर्फ दूध और दवाई लोगों को चाहिए, बाकी सारी चीजें 15 दिन में बैठ के घर से लोग काम चला सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की जो घोषणा की गई है वो पूरी तरह से अभ्यास न करते हुए की गई, ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से स्टडीड होके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर ये होता तो इसके परिणाम कुछ और होते। परिणाम तो देखो, जो परिणाम आएंगे हमारे साथ में अभी अविनाश जी चौधरी जुड़े अमरावती से, अकोला से, सिटी न्यूज चैनल से जुड़े हुए हैं, अकोला से, अकोला के भी आप जानकारी ले सकते हैं, और एक्सपर्ट कोई डॉक्टरी एडवाइस पूरी लगे, यानी एक्सपर्ट टीम में हमारे पास में अभी डॉक्टर साहब है यहाँ पे। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है, रविनाश जी आपका भी हमारे इस पैनल में स्वागत है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोरोना से कितना डरना चाहिए। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब म्यूट है, शायद अभी आवाज नहीं जा रही। डॉक्टर साहब अभी म्यूट है, अविनाश जी से हम जानना चाहेंगे। नहीं, अविनाश जी डॉक्टर अविनाश जी है अकोला से, और है अकोला सिटी में आवाज आ रही है आपको?
जी सर जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, अकोला में जिस तरह से रोज के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सर उसके बाद? सर अकोला में अभी फिलहाल में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये पिछले एक मई से जो है वो ज्यादातर एक मई से जो रोगियों का प्रमाण था वो ज्यादा बढ़ गया। एक मई से तकरीबन 150 से ऊपर रोगी पाए गए हैं कोरोना के, और इसके पीछे देखा जाए तो जो भी हॉटस्पॉट है उसमें प्रशासन की ओर से जैसा जनजागृति है ऐसे प्रकार नहीं किए गए, लोगों में असमंजसता है क्योंकि वहां के लोग बाहर ही नहीं आना चाहते, इसके वजह से कोरोना का जो प्रमाण है हमारे यहाँ का वो बढ़ते जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं कोरोना के पार्श्व में, और हमारे साथ में कई पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं विविध विविध क्षेत्रों से हैं। अमरावती से चंदू जी है और भी हमारा परिवार है जो हमें पूरी विदर्भ की जानकारी यहाँ पर दे रहा है। चंदू जी आप कंटिन्यू कीजिए कि क्या जो हम बात कर रहे थे कि कोरोना के साथ में अब हमें अपने जीवनी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या टिप्पणी किया? नहीं, कोरोना के साथ में आदत इसलिए डालनी पड़ेगी, कल मेरे डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी तो ये बीमारी जितनी आसान से ऊपर से दिख रही उतनी आसान है नहीं। इसको जब तक हम हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे इसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, इसमें सुधार, कोरोना में सुधार नहीं होना है, सुधार हमको हमारे आप में करना पड़ेगा। जी अभी भी कोरोना, अभी कल डॉक्टर साहब बता रहे थे कि डॉक्टर्स लोग जो इलाज कर रहे हैं, हालांकि चलो हम तो बोलते हैं हमको प्रिकॉशंस लेना है, हम हमारे प्रिकॉशंस लेते, कभी हाथ धोना भूल जाते कभी, लेकिन डॉक्टर जो ऑलरेडी इलाज कर रहा है वो तो पूरी अपनी प्रिकॉशंस देता, उसके बावजूद उनको कोरोना हो जाता है, तो हम कहां तक इससे बच पाएंगे? लॉकडाउन सॉल्यूशन है नहीं है, ये बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की बात है, लेकिन वर्तमान में अभी है कि जो निर्देश दिए जा रहे अपने डॉक्टर्स द्वारा प्रशासन द्वारा उसका पालन करना बहुत आवश्यक है और हमको उसी लाइफ स्टाइल में जीना है। पहले वाले लाइफ स्टाइल आते आते मुझे लगता है 2 से 4 साल 5 साल लग जाएंगे, हमको अभी की ये लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना, एक ही चीज है, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। बाहर के लोगों से डिस्टेंस बनाना है, घर के लोगों से तो डिस्टेंस कहीं बना नहीं रहे। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब डिस्टेंस शायद बाहर के जो नया आता है उससे ही बनाना है ना, कि घर में भी आपस में डिस्टेंस बना के रखना है? नहीं नहीं, घर में डिस्टेंसिंग का बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि यू आर एश्योर्ड एंड श्योर कि वो पॉजिटिव नहीं है करके। जी जो सेगमेंट में आप डाउटफुल है कि सोसाइटी में आप घूम रहे हो, आपको मालूम नहीं कि सामने वाला पॉजिटिव है, दैट इज असिम्प्टोमेटिक कैरियर जिसको बोलते हैं, यानी जिसको लक्षण नहीं है पर जंतु है, ऐसे असिम्प्टोमेटिक कैरियर जो रहते हैं बहुत घातक होते हैं, ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसीलिए उन लोगों से अपने को डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में भी डिस्टेंस रखोगे। डॉक्टर साहब इसी चीज को लेके एक बात वापस मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आपने बताया कि लक्षण है उसमें दिखते नहीं पर जंतु है, जो 10 दिन में अभी, हाँ जो 10 दिन में अभी छोड़ने की पॉलिसी चल रही है, क्या ये उसको आपके शब्दों को मैच? नहीं नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं कि वो घर जाके होम क्वारंटाइन होगा, तो ये बिल्कुल ही मेरे को लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एवरेज घर, एवरेज लोगों का अगर आप घर देखोगे 2 या 3 कमरे का होता है, आसपास 5-7 लोग घर में रहते हैं, उनके बीच में इस तरह का क्वारंटाइन मेरे को लगता प्रैक्टिकेबल नहीं है, पर प्रशासन ने उनके ऊपर जो तनाव आ रहा है, जो लोड आ रहा है काम का, उसको कम करने के लिए और जो जिन लोगों को एडमिशन की मेडिकल सर्विसेज की आवश्यकता है उनको प्रायोरिटीज देने के लिए इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट किया है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का डिस्चार्ज कर देना बहुत ही ज्यादा वाजिबी है, उसके लिए उनका असेसमेंट करना जरूरी है कि इसका घर कितना बड़ा है, बाकी के घर के लोग एजुकेटेड है नहीं है, क्वारंटाइन करने के लिए घर में उनकी मानसिकता है या नहीं है, या वो कर सकेंगे या नहीं सकते, इसका कोई एविडेंस अगर आपके पास है तो उन्हीं लोगों को डिस्चार्ज करना चाहिए, वरना मैं नहीं समझता हूँ कि लेमैन वैसे ही तो लोग घर के अंदर रह नहीं रहे, तो इनको डिस्चार्ज होने का तो गांव में यही बोलेंगे मैं नेगेटिव हो गया, वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो एक रिस्क इमरान भाई, इमरान भाई आपके नागपुर में भी बहुत सारे लोग छोड़े गए हैं, डॉक्टर साहब जो बात बता रहे उससे तो नागपुर में और विस्फोट हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, इमरान भाई आपको ये भी पूछना चाहूंगा
इमरा, इसमें ये भी चीज है कि जैसे हमला सतरंजीपुरा और हम अगर मोमिनपुरा की बात करें तो ये इलाके के घर जो है बिल्कुल एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और एक ही रूम में दो दो चार चार लोग रह रहे हैं, तो कैसे ये भयानक परिस्थिति नहीं होगी ऐसी स्थिति में? जी हाँ, बिल्कुल, ये आप नागपुर की अगर बात करें तो पिछले 3 दिन में तकरीबन 100 के आसपास पेशेंट को छोड़ा गया है, उसमें से सतरंजीपुरा के आप पकड़े तो मिनिमम 55 लोग सतरंजीपुरा के, और सतरंजीपुरा जैसी बस्ती जब नागपुर की है आप देखे तो एक घर में 5-5, 6-6 लोग रहते हैं और कमरे 3 कमरे माने जाते हैं, 2 या 3 कमरे बहुत हो गए काफी। और मोमिनपुरा का भी जो कुछ डोबी नगर जैसा एरिया आप देखे तो एक स्लम एरिया है, अगर धारावी की अगर बात करते हैं अपन मुंबई में, उसी तरह से नागपुर की अगर डोबी नगर जैसा एरिया आप देखे तो धारावी से कुछ कम नहीं, एक कमरे में 2-2, 3-3 परिवार रहते हैं, 2-3 कमरे में 2-3 परिवार रहते हैं, 4-4 लोग रहते हैं, तो यहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वो मेंटेन कर पाएंगे? इमरान भाई, ये सभी जगह की सभी जगह की पूरी स्थिति है। जब कोरोना आया था तो जब इसके जो स्वभाव था ये था कि ये अमीरों की बीमारी है, क्योंकि अमीरों के साथ में आता है, ये फ्लाइट से आता है, ये लोकल ट्रेवल से नहीं आता है, ये ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से आता, तो हमारे यहाँ अमीर लोग तो सारे बाजू में छूट गए, सारा पकड़ा पूरा स्लम एरिया में विस्फोट हो गया। अकोला में मुझे लगता है स्लम एरिया से ज्यादा निकले। अकोला राहुल जी क्या कहेंगे आप, अकोला से जिस एरिया में निकले? बिल्कुल सही बात है सर, जितने भी स्लम एरिया है अकोला में, जैसा कि अबैदपुरा है, खैर मोहम्मद प्लॉट है, न्यू भीमनगर है, जितने भी स्लम एरिया है उससे सबसे ज्यादा, यानी अकोला में तो हॉटस्पॉट जो है वो ही बैदपुरा है, और ये इतना बड़ा इलाका है, यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 40,000 के आसपास है, तो और वहाँ इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो वहाँ वो पूरा हॉटस्पॉट बन चुका है। आज वहाँ से 60 के ऊपर पेशेंट जो है वो वहाँ से पाए गए हैं, और अकोला में और भी जो भाग है, हर एक भाग में तकरीबन 10 से 12-15 ऐसे जितने स्लम एरिया है वहां से ही पेशेंट पाए गए हैं सर। आपने जो बात कही थी चंदू जी कि ये जो है कोरोना फ्लाइट से आया हुआ है और फिर वो झुग्गियों में घुस गया है, नागपुर की जो ये आंकड़े दिखे भी, जो आंकड़े बढ़े भी नहीं है, सोसाइटी से जो इंक्रीज होते हैं आंकड़े वो वहां पर नहीं दिखे। आलोक भाई आया क्या सपने? देखो बात सही, जो हमें कोरोना पॉजिटिव लोग मिले थे जैसे खामला का एरिया हुआ, जो ये इलाके वो इलाकों में तो बड़े नहीं है, लेकिन मोमिनपुरा से जो है पूरा मतलब बॉम्ब स्पॉट जैसे बोलते हैं ना, वैसे वो हो गया है, नागपुर का कोरोना का वो हॉटस्पॉट बन गया है, और मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा ये हॉटस्पॉट बनने के बाद पार्वती नगर से एक मरीज सामने आया था, लेकिन वहां भी पॉजिटिव संख्या नहीं बढ़ी है, जो भी बढ़ रहे हैं वो मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा से क्वारंटाइन किए गए लोगों में से ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हॉटस्पॉट वो बन चुका है, और जहां से मिले थे सबसे पहले वहां पे अभी फिलहाल तो पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, मतलब और वो भी जो भी पेशेंट थे वो अपने घर जा चुके हैं और अब स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है, 14 दिनों का जो इलाज उनका पूरा हुआ है और 14 दिनों के बाद उन्हें छोड़ा जा चुका है, लेकिन जो एरिया है मतलब मोमिनपुरा और सतरंजीपुरा वही से अभी क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, वही के लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। देन उसके बाद हमारे साथ में पुणे से आलोक मिश्रा भी जुड़े हैं, करते हम लोग सब। आलोक जी, जी हम एक क्षेत्र को 2 मिनट के रोकना चाहूंगा। आलोक जी आपका स्वागत है। पुणे, पुणे एक हम कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी पे बैठा हुआ शहर नजर आ रहा है इस वक्त, आपकी टिप्पणी जी। आलोक जी, पुणे की स्थितियां तो खराब है, लेकिन कुछ आंकड़े मैं आगे डिस्कशन में देना चाहूंगा कि कुछ अच्छी चीजें भी पुणे में हो रही है। अभी अभी मेरे पास में खबर आई है कि वैक्सीनेशन में जो काम पुणे में काफी आगे बढ़ गया है, वैक्सीनेशन का अगर आप कोई भी वैक्सीन बनाते हैं, आप तो ज्यादा जानकार हैं, उसको 6-7 साल लगते हैं, आपने कैसे इतने जल्दी तैयार? नहीं, 6-7 साल नहीं लगते, परमिशन से रिलेटेड, बाकी गवर्नमेंट परमिशन और इसके बारे में उन्होंने वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए समय नहीं लगेगा, पूरा प्रोसेस करने के लिए, पूरा प्रोसेस के लिए 4-8 वीक्स में उनका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा कि उन लोगों ने। मैं स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं पूरा प्रोसेस
मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर लूं एक बार, उसके बाद पहले आलोक सर को सुन लेते, फिर डॉक्टर साहब आपकी टिप्पणी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। हाँ आलोक जी, पूरा प्रोसेस होने के लिए अभी तक के जो भी वैक्सीन बने हैं उनका कोई भी अगर प्रोसेस अगर कंप्लीट करते हैं और पूरा वैक्सीनेशन बाजार में आने तक का जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। तो उनसे जब ये पूछा गया कि आपने इतना जल्दी कैसे तैयार कर लिया कि मार्च और अप्रैल में ये बात होती है और आप बोल रहे हैं कि आप इस स्थिति में हैं अभी कि आप अगस्त तक के वैक्सीन लेके आ जाएंगे, तो उनका कहना था कि सरकार का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि एक एक दो दो दिन में ICMR हो या बाकी जहां जहां से उनको जो अप्रूवल चाहिए थे वो काफी जल्दी आ गए और उसके कारण हम लोगों का प्रोसेस शुरू हुआ और हम ये स्टेज पे अभी आ गए हैं कि हम आपको अगस्त तक के वैक्सीन दे देंगे। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि ये लाल लतीफी शाही में यानी ऑफिशियल कस्टडी में इसको ज्यादा डिले होता है। हाँ वो चीज जरूरी है पर उसके पीछे कुछ और कारण है, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री इसको ब्रांड करा के पेटेंट करा के अगर उसको परमिशन लेना चाहती है तो उसके लिए ये राड़े बन सकते हैं। ये अभी पैंडेमिक हो चुका है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा इश्यू हो चुका है और NIV जो है या इंडिया वैक्सीन में वर्ल्ड लीडर है, अपन ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन में सक्सेस अपने को मिला है और वर्ल्ड के लिए अपन वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं वैक्सीन के लिए। इस वैक्सीनेशन के 2-3 चीजें होते हैं। वैक्सीनेशन में होता है कि जो वायरस है जिससे अपने को वैक्सीन बनाना है उसका जो डीकोडिंग करना पड़ता है वो डीकोडिंग ऑलरेडी हो चुका है, वायरस अपना म्यूटेशन में नहीं है अभी, इसलिए उसके अगेंस्ट में अगर वैक्सीन बन जाता है तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। काफी सारे वायरस ऐसे होते हैं जो 3 या 4 हफ्ते में म्यूटेट हो जाते हैं, म्यूटेड होने के कारण उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये काफी सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। इस सेगमेंट में काफी ताकत से शुरुआत से NIV ने काम करना चालू किया था क्या, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज से भी NIV के अप्रोच हो चुका था कि भाई आप वैक्सीन के लिए तैयारी करिएगा और अपने यहाँ से उस तरह से पहल भी हुई थी, इसलिए वैक्सीन बनाने में अपने को समय नहीं लगा। उसकी ट्रायल ऑलरेडी चालू हुई है, 6 से 8 हफ्ते में ट्रायल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पुना वाला का कहना यह है कि बाकी लोगों का यह ऐसा कहना मानना है कि वैक्सीन के ट्रायल के सक्सेस हो ना हो हम तब तक वैक्सीन रेडी रखेंगे, सक्सेस होने के बाद अगर बैच बनाने के लिए जो समय लगेगा उसमें काफी डीला हो जाएगा। इनके से अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, पर अगर ये सक्सेसफुल होता भी है तो ये उसका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, यूटिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, इसलिए इस तरह का प्रोएक्टिव पॉलिसी जो है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और उस अपने लिए रियली बाय द एंड ऑफ जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक वैक्सीन शायद अवेलेबल होने के लिए पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि वर्ल्ड सप्लाई के लिए समय लग सकता है, सितंबर अक्टूबर तक अपन पूरे दुनिया को दे पाएंगे, पर फॉर इंडियन पॉपुलेशन प्रायबली अगस्त महीने के में शायद वैक्सीन। लेकिन ये कहीं ना कहीं देश के लिए तो गौरव की बात ही होगी ना कि हम लोगों ने गौरव की भी होगी। इसके साथ में क्या पूरा एडवाइजरी भी WHO की चल रही है, WHO का अप्रूवल जरूरी होगा इसके लिए? नहीं, वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए WHO का अप्रूवल जरूरी होगा, उनके लिए जो सैंपल साइज लगेगा वो अपने अपने कंट्रीज में भी शायद इसका स्टडी कर पाएंगे, पर जहां तक ICMR या इंडियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात है वो अगर अप्रूव करते थे शायद इंडिया में इसका एप्लीकेशन हो सकता है। यानी आज हम यहाँ पे आपके इस माध्यम से ये माने कि यदि अगस्त में उन्होंने लॉन्च कर दिया तो दिसंबर तक पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा? कोरोना मुक्त नहीं हो सकता है, हर्ड इम्यूनिटी। ऑडियो का आपका जो हो रहा है उसमें नंबर ऑफ केसेस में जरूर डेफिनेटली नहीं। चलो अब हम इस पे आ जाइए, वैक्सीन काम कैसे करेगा फिर? हम वैक्सीन इसकी टेक्निकल चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं शायद, क्या क्या काम कैसे करेगा और किसके लिए जरूरी होगा ये, क्योंकि पूरे 130 करोड़ लोग तो वैक्सीन नहीं यूज करेंगे ना? नहीं, 130 करोड़ नहीं हुई तो दैट इज कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी नाम की एक चीज होती है जिसमें उस वैक्सीन वायरस के खिलाफ एक शरीर में प्रतिकारात्मक शक्ति खड़ी हो जाती है जिसको एंटीबॉडीज बोला जाता है और मेमोरी सेल्स बोले जाते हैं, और ये वायरस की संख्या के तुलना में अगर 80% पॉपुलेशन के अंदर अगर ये इम्यूनिटी खड़ी हो जाती है तो वायरस हार मान जाता है और ये वायरल लोड जो है सोसाइटी का या वायरस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। ये 2 चीजों से पॉसिबल हो सकता है, एक तो 80% पॉपुलेशन को उसका इन्फेक्शन हो जाए या 40-50
प्रतिशत लोगों को उसका इन्फेक्शन और बचे हुए लोगों को वैक्सीनेशन, ये मिला के अगर 80% लोग भी अगर इसके दायरे में आ जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी नाम की चीज है वो डेवलप हो जाती है और उस हर्ड इम्यूनिटी के बदौलत एक वायरसेस को डिस्ट्रॉय किया है, खत्म किया जा सकता है। यानी हम इसको ये बोल सकते हैं कि दर्द ही दवा बन जाएगा, दर्द ही दवा बन जाएगा अगर इन्फेक्शन की बात है, वैक्सीन तो दर्द नहीं है जी। नहीं नहीं, अभी तो आप बता रहे 80% लोगों ने को यदि कैरियर करके वो ठीक हो जाते हैं तो इसका वायरस का असर खत्म हो जाता है, आप ये कह रहे हो। जी, अपन ने पिछले डिस्कशन में बात की थी कि अमेरिका उस स्वीडन में जो अभी स्वीडन ने जो प्रैक्टिकल किया वही किया है, उन्होंने सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग रखा है, लॉकआउट नहीं किया है और लॉकडाउन नहीं करने के कारण पब्लिक पूरी तरह से उनके बिजनेस चल रहे हैं, सिर्फ जो प्रिकॉशंस वो ले रहे हैं और उनका कहना यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखने के बाद जो नंबर ऑफ केसेस का लोड जो है वो कम हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, तब तक कि इनकी मेडिकल फ्रेटर्निटी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी सर्विसेज के लिए, आईसीयू एस्टेब्लिश होंगे, तब तक के वैक्सीन आने की पॉसिबिलिटीज है, तब तक के अपने को वर्ल्ड लीडरशिप में पता चल जाएगा कि किस तरह की ट्रीटमेंट कारगर हो सकती है, किन लोगों को किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये उनकी मेडिकल फील्ड तैयार हो जाएगी। इन द मीन टाइम हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो बड़ा सा क्राइसिस खड़ा नहीं होगा और उसके लिए उन्होंने काफी सारे सीनियर सिटीजन का भी हेल्प किया है, उन्होंने सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा दाव पे लगा दिया कि आप भी बाहर आ जाइएगा ताकि आप सबसे ज्यादा सफरर होंगे, मॉर्टेलिटी होगी तो सीनियर सिटीजन की होगी और तब तक के सोसाइटी में जो 70-80% का टारगेट पूरा हो जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी बाकी यंगस्टर के लिए काम आ जाएगी और साथ साथ में इकोनॉमी भी बरकरार रहेगी। आलोक जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी और डॉक्टर साहब ने जो उस पर टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन जल्दी लाने में दो चीजें जो होती है, एक कि जो लाल फीति शाही का जैसे चंदू जी बता रहे थे कि एक तो इसका अप्रूवल और दूसरा इसका इफेक्टिवनेस, तो ये दोनों चीजें साथ साथ में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश को इसका फायदा जल्द से जल्द होने के आसार नजर आ रहे हैं। जल्द मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे की है वर्ल्ड लीडिंग इंस्टीट्यूट है, उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सारे साइंटिस्ट लगातार काम करते हैं और इन्होंने अभी तक के 6 से 7 वैक्सीन जो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करा दिए, इसलिए उनके पास इन चीजों के लिए कोई चीज की कमी नहीं है। जो कुछ कमी थी वो पॉलिटिकल विल की थी और इसी के कारण ये पॉलिटिकल विल की भी कमी पूरी हो चुकी है, इसलिए हो सकता है कि ये वैक्सीन लाने के लिए अपने को कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अविनाश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अकोला की एक बात बता दो, अकोला से एक ब्रेकिंग आ रही है, आज विदर्भ में अकोला जिला सबसे गर्म रहा 44.8। और इसी से रिलेटेड अविनाश सर को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि धूप जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा कोरोना नष्ट हो जाएगा, तो क्या कहना चाहूंगा? टेम्परेचर चेंजेस के कारण उसका इंसिडेंस कम होने की पॉसिबिलिटी कम है ऐसा नहीं है, बहुत हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इन्फेक्शन का रेट उतना ही रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जैसे पोलर रीजन में इन्फेक्शन नहीं है, पर टेम्परेचर के साथ इन्फेक्शन कम होगा इसके लिए कोई बेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फेक्शन होने के बाद वायरस शरीर के अंदर होते हैं और ये डायरेक्टली स्प्रेड होते हैं। आप ये समझते होंगे कि वायरस मैंने खांसने के बाद भाई हवा में छोड़ दिया है और फिर उसमें धूप गिर रही है और उसके बाद वो वायरसेस मर रहे हैं, पर जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रहा है, जिसको अपन फोमाइट्स बोला जाता है। फोमाइट्स का मतलब ये है कि जहाँ वायरसेस चिपके हुए है उस सर्फेस से, उस ऑब्जेक्ट से, उस एलिमेंट से, चाहे वो पेन हो, ग्लास हो, मग हो, टेबल हो, माउस हो, कंप्यूटर हो, कीबोर्ड हो, ये सब चीजों के माध्यम से वो उंगली और उंगली से माध्यम से नोज और मुंह की तरफ या आइस की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, कैरियर हो रहा है, और वो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशंस का इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ संबंध है मैं नहीं समझता। अविनाश सर आप सुन रहे हैं, इमरान सर ने भी आपसे बात की थी, आप सुन रहे हैं अविनाश जी? रत्नाकर भाई, ये अविनाश जी डॉक्टर साहब है, वो राउत है अकोला से। अच्छा अच्छा, हाँ जी 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 सर, आपकी टिप्पणी सर। अकोला में क्या कितने पेशेंट होगा, किस स्पीड से बढ़ रहा है, और अभी आज कितने नए हैं, क्योंकि सबसे हॉट आंकड़ा भी अकोला का चल रहा है, शायद नागपुर को पार कर जाए वो, शायद शायद सर, क्योंकि अकोला में अभी तक के जो है पूरे 261 पेशेंट पाए गए अब तक के,
जिसमें से 121 पेशेंट को घर को छोड़ा गया है, जिन लोगों को छोड़ा गया है, और अभी तक के एक्टिव पेशेंट जो है 122 है, जिसमें से अब पूरा देखा जाए तो यहाँ हमारे यहाँ अकोला में जो डेथ की संख्या है कोरोना से वो 18 है, यानी 17 है वैसे एक जो पेशेंट था उसने आत्महत्या की जी। और अकोला जो अभी फिलहाल में है तो अकोला में हर रोज जो है 10 से ज्यादा पेशेंट निकल रहे हैं। सुबह अगर 3-4 पेशेंट पॉजिटिव आते हैं तो शाम के अहवाल में जो है वो और ज्यादा पाए जाते हैं। अभी शाम का जो है रिपोर्ट आना बाकी है, फिर भी अभी सुबह जो है वो 4 पेशेंट पाए गए थे, और चारों पेशेंट जो है जो हॉटस्पॉट है हमारे बैदपुरा, खैर मोहम्मद प्लॉट, मोबिनपुरा, इस परिसर से है। सर आपने अभी जो डेथ के बारे में आपने बताया, मैं थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूंगा अकोला जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अकोला में थोड़ा सा 50% पॉपुलेशन ओल्ड अकोला, जहाँ बहुत क्राउडेड है, मिक्स पॉपुलेशन है, काफी सारे स्लम्स भी वहाँ अटैच्ड है, और वहाँ लोगों ने अभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया है। दूसरा पॉलिटिकल विल की भी मेरे को वहाँ काफी सारी कमी दिख रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है करके, पर इस तरह का जो पिक्चर सामने आ रहा है वो भयानक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स है वहाँ पे, उनसे मेरी बात चलती है, वहाँ आसपास 6-7 डॉक्टर्स, क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो चुके हैं। उसमें हमारे 2 फिजिशियन भी है, एक एनेस्थेटिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो ये भी एक बड़ा सीरियस कंसर्न का विषय है। क्या उसके साथ क्या हो रहा है बेसिकली, मैं क्यों इस सब्जेक्ट को छेड़ना चाहता हूँ कि अभी इमीडिएटली जो मैं 5 मिनट पहले चंदू जी से डिस्कस कर रहा था कि अभी कोई तो भी प्राइवेट हॉस्पिटल की कोविड सर्विसेज चालू होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बोलिए आप कितना भी अच्छी तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन रखे, तैयारी रखी है, गवर्नमेंट सेक्टर में वो सर्विसेज इन लोगों को नहीं मिल रही है। एसी नहीं मिल रहे है, कूलर नहीं मिल रहे, पीने का पानी नहीं, अच्छे क्वालिटी का फूड नहीं है, अच्छा एटमोस्फियर नहीं है, साथ में ट्रीटमेंट में भी फर्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी सिचुएशन समय आ चुका है कि हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे एक कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल चालू हो, लोगों की सम्मति बने। अकोला में भी शायद कुछ एक हॉस्पिटल ने कंसेंट दिया था, पर अभी उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस, फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट स्पेंड करना नहीं चाहती है, हॉस्पिटल के स्टाफ के इश्यूज है। तो ये मेरे को लगता है कि इस तरह से प्रोएक्टिव पॉलिसीज डॉक्टर लोगों ने, आलोक जी जानकारी देंगे इसके बारे में, क्या आलोक जी इस बारे में की चर्चा हुई आपकी? मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को पूरा कर लूं। अब इस चीज की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आवश्यकता इसीलिए, अगर नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ पुलिसमैन अगर इस तरह से बीमार पड़ते रहे, अगर उनके मोर्टेलिटीज होती रहे, फैमिली डिस्टर्ब होते रही, तो आने वाले 6 महीने में जो आपको जिन डॉक्टर लोगों की रिक्वायरमेंट है वो सर्विसेज मिलना डिफिकल्ट हो जाएगा, लोग कुछ एक मानसिकता भी निगेटिव बन जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, तो बोले यार हमको तो कुछ सर्विस मिलती नहीं है, फैमिली को सर्विस मिलती नहीं है, फैमिली को कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम क्यों करें, हम क्यों करें? 50 लाख का पॉलिसी खोलना डॉक्टर के लिए बहुत छोटी बात है, हर डॉक्टर का 1-2 करोड़ का उनकी खुद की अपनी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने 50 लाख की पॉलिसी कवरेज करके दिया, इसका मतलब सब कुछ हुआ ऐसा नहीं होता है। अगर वो पॉजिटिव होता है, उनके रिलेटिव पॉजिटिव होता है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके रिलेटिव भी रिलेटिव को भी उनकी उतनी वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, उतनी केयर मिले, तो उनकी मानसिकता बनी रहेगी, अदरवाइज बहुत डिस्करेज हो जाएंगे। वो सेम सिचुएशन पुलिस लोगों की भी है, उनको पुलिस लोगों के लिए भी एक अच्छी तरह से, क्योंकि दे आर द मेन पिलर्स ऑफ द कोविड स्पेक्ट्रम, ये दो जो लोग है वो ताकत से काम कर रहे हैं, सोसाइटी में जाके पुलिस लोग काम कर रहे हैं, बहुत ही निर्भीड़ता से काम कर रहे हैं, पूरे मॉब में जब रहते हैं तो उनको कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, तो उन लोगों के जो N95 मास्क है, फेस शील्ड है, सैनिटाइजर्स है, उनके खाने के लिए उनको जो लगना चाहिए, जो प्रोटीन डाइट लगना चाहिए, जो फ्रूट्स लगना चाहिए, उनको रेस्ट मिलनी चाहिए, उनको योगा मिलना चाहिए, उनका वर्कलोड कम होना चाहिए, 6 घंटे के ऊपर उनकी ड्यूटी नहीं होना चाहिए, उनको मेडिटेशन करा लेना चाहिए, ये सब चीजें मैटर करती है। आज अगर ये नहीं करोगे तो कल का आने वाला पिक्चर बहुत हॉरिबल रहेगा। तो अगर उनको एक बैच को अगर ड्यूटी पे लगाए तो एक बैच उसी बैच के लिए फिर उनको रेस्ट भी, पेड रेस्ट भी देनी चाहिए, एक रिलैक्सेशन प्रोसेस होनी चाहिए, ऐसा आप शायद कहना चाहिए। और जो आपको लगता है पैरामिलिट्री फोर्स बुलाए, आपको होमगार्ड बुलाए, उन लोगों का ट्रेनिंग करे, उन लोगों को भी इस तरह का सिक्योरिटी देके बैच वाइज उनको काम उनसे काम करा लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए 1180 पुलिसमैन सफर हुए महाराष्ट्र में, नॉट अ स्मॉल फिगर, नहीं ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक्सपायर हो चुके, बॉम्बे में 8, पुणे में 1, नासिक में 1, औरंगाबाद में 1,
पुलिस ऑफिसर डॉक्टर साहब बाकी भी थोड़ा क्या है, टाइम कम है अपने हाथ में, बाकी लोगों को थोड़ा सा बोलना है, 40 मिनट में हमको सेशन पूरा खत्म करना है अभी। है एक एक पुणे के बारे में मैं जो आपको अपडेट दे दूं अभी, पुणे के बारे में टोटल पुणे का अगर बात करें तो पुणे में कल का जो आंकड़ा है उस हिसाब से पुणे का आंकड़ा 4000 के पार कर चुके हैं टोटल। 223 पेशेंट कल पॉजिटिव आइडेंटिफाई किए हैं और 600 लोगों को कल डिस्चार्ज दिया गया है। तो ये पुणे की स्थिति है। और जो जैसा कि चंदू भाई आप अभी पूछ रहे थे, तो मैं मेरे सोर्सेज के थ्रू डॉक्टर साहब ने जो अभी सब्जेक्ट उठाया कि स्वास्थ्य मंत्री इस दिशा में क्या कर रहे हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में तो अभी कोई रणनीति या कोई नीति नहीं बनी है सरकार की, लेकिन जहां तक के डॉक्टर्स के बारे में है तो डॉक्टर्स का जो इंश्योरेंस वाला जो 50 लाख की जो पॉलिसी है उस पर सरकार विचार कर रही है कि उस 50 लाख को हम 1 करोड़ करें। दूसरा, और प्राइवेट डॉक्टर्स को और जो वैकेंसीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो वैकेंसीज हैं डॉक्टर्स की, उसके बारे में सरकार ने निर्णय ले लिया है और जल्दी ही ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और जो बहुत से जो खाली जो पद पड़े हुए हैं डॉक्टर्स के उसको भरा जाएगा। और कल हम लोग कोशिश करेंगे कि पूना वाला जी को भी हमारे चर्चा में हम ले ले, मेरी उनसे बात जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। मेरी उनसे बात चल रही है और कल कुछ हम उनको भी ले लेंगे और हमको कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी उनसे मिलेगी कि और वैक्सीन से रिलेटेड क्या काम हो रहा है। दूसरी एक खबर मैं आपको देना चाहूंगा कि एक बारामती में कल ज्वेलरी शॉप भी शुरू हुए है, तो जो ज्वेलरी शॉप का जो बारामती में जो कल का था, जिस प्रकार शराब की लाइनें लगी हुई थी, उस प्रकार ज्वेलरी शॉप में कल लाइन देखने को मिली। ज्वेलरी बेचने के लिए या खरीदने के लिए? खरीदने के लिए, क्योंकि अभी तो शराब चालू हुई तो साथ में ज्वेलरी भी तो बेचनी पड़ेगी लोगों को। हाँ, तो ज्वेलरी दुकान के लिए मेरा ज्वेलरी दुकान की तरफ देखने का नजरिया एक ये भी रहता है, ज्वेलरी दुकान में लोग सोना खरीदते भी है, बेचते भी है, और कुछ लोग जो है पैसे की जरूरत की वजह से वो साहूकारी भी होती है वहां पर, तो ये भी एक मुद्दा होगा कि लोग अगर मैं बारामती की बात कर रहा हूँ तो वहां बेचा नहीं जाता, वहां खरीदा जाता है। बारामती के लोग जनरली बेचते नहीं है क्योंकि पवार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो तो बेचना वाला थोड़ा तो वहां पर कम होता है, वहां खरीदने वाले ज्यादा हैं। हो सकता है कि लोग अपने आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे। एक चीज पे अपने आज जो मुद्दा था, सब्जेक्ट था, क्या लॉकडाउन 4 जरूरी था, क्या बिना लॉकडाउन के नहीं हो सकता, इस पे क्या सबके विचार है? कितना जरूरी, डॉक्टर साहब आपसे शुरू, कितना जरूरी शॉर्ट में? नहीं, शॉर्ट में ये है, मैं समझता हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लेबर सभी भाग रहे हैं, वापिस आने की उनके संकेत बहुत कम है, तो इंडस्ट्रीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि वो जो रेसिडेंशियल फैसिलिटी लेबर्स को दे, खाने की सुविधा करे और अपनी इंडस्ट्रीज चालू करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडस्ट्री ले और उस टर्म्स कंडीशन पे उस इंडस्ट्री को चलाने की परमिशन दे देनी चाहिए। लॉकडाउन पार्शियल और खोलना चाहिए दुकान, पार्शियल लॉकडाउन खोलना बहुत जरूरी है अभी। पार्शियल अकोला की क्या पोजीशन है सर? अकोला में तो लॉकडाउन अभी खोलना संभव नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है या कर्फ्यू चल रहा है वहाँ? लॉकडाउन की परिस्थिति देखिए, लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों में फर्क है, समझ लीजिए। साहब, लॉकडाउन इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, लॉकडाउन एक कोविड-19 का ट्रीटमेंट नहीं है। या इस प्रोसीजर को थोड़ा सा समय बाय करने के लिए, अपने मेडिकल सिस्टम को इक्विप करने के लिए अपन लॉकडाउन करा के ये जो निखार है अंदर जो सेटल हो रहा है वो कुछ हम अपने आप को समय दे रहे हैं। इसलिए अभी 3 महीने का समय जो मिल चुका है, 2.5-3 महीने का, वो इट्स सफिशिएंट। अभी जो आपने एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, वो कर लिया है, अभी आप लॉकडाउन, नाउ दिस इज टाइम टू बैक टू बिजनेस। या अभी इकोनॉमी इतनी खराब होती जा रही है, फार्मर्स के प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम्स है। कल मैं टीवी पे रिव्यू देख रहा था पालघर का, इतने 260-270 मेजर यूनिट्स वहां चल रहे, पूरे के पूरे एम्प्लॉइज वहां से निकल चुके हैं। अब उनको नए एम्प्लॉइज कहाँ से लाएंगे, इंडस्ट्रीज कैसे चालू करेंगे? एम्प्लॉइज का तो बहुत बड़ा विषय है पुणे और मुंबई की। अगर शॉर्ट आउट किया जा सकता है बॉस, ये लोगों का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप कर दे इंडस्ट्रियलिस पे, कि मुझे ये लगता है, नहीं अभी लगता है 70% के आसपास मजदूर अपने घर में पहुंच गया है, 70% के आसपास, 70% के आसपास मजदूर पहुंच गया, क्या ये मजदूर वापस आ सकेंगे? चलिए इंडस्ट्री की बात करें, मेरा ये कहना है कि ये जो मुद्दा है, मजदूर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी है कि अगर वो वापस नहीं आते तो क्या महाराष्ट्र के जो यूथ है वो उनको रिप्लेस कर पाएगा?
लेकिन ये एक अलग सब्जेक्ट है और एक बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, इस पर हम अलग पैनल में बात करेंगे। इंडस्ट्री तो चलो एक अभी सेकेंडरी है, उसके साथ में हमको लेबर लगे हैं। ऑलरेडी जो लोकल में व्यापार है, लोकल में व्यापार है, जैसे अभी डॉक्टर साहब छोटे छोटे यूनिट्स में सारे लोकल के यहाँ पे ये लगे हुए एम्प्लॉइज लगे हुए, उसमें बाहर से नहीं आए। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में बाहर से आया, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बाहर से आया। कंस्ट्रक्शन 6 महीने बंद भी रहा तो अभी फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, क्योंकि बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन सरकार पहले कंस्ट्रक्शन चालू कर रही। दूसरे छोटे जो स्मॉल स्केल है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटे व्यापारिक प्रतिष्ठान है, ये सब शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि अब इसकी तो आदत डालनी पड़ेगी कोरोना के साथ की। जी आप कुछ कह रहे हैं आलोक जी, आप कुछ कर आलोक जी बोलिए। मैं पूना से रिलेटेड 2-3 मुद्दे आप लोगों को बता दूं। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो मेरी डायरेक्टर मेट्रो पूना अतुल गाड़गिल जी से बात हुई कल इस दिशा में। उन्होंने यही कहा कि पूना मेट्रो का काम पूरा ठप हो चुका है और कारण वही है कि मैन पावर उनके पास में नहीं है और लेबर जा चुकी है। दूसरा, पूना में जो बहुत बड़ा वो होता है, पालखी निकलती है पूना में, तो पालखी के बारे में भी अभी निर्णय जो 2 बार मीटिंग हुई उसमें बोलना ये है कि भाई पालखी जो है आनंदी की पालखी जो है वो तो नहीं निकालनी चाहिए इस साल, कोई भी हालत में नहीं निकालनी चाहिए। नहीं, ये हम लोग बोल रहे हैं नहीं निकालनी चाहिए। उसमें मैं क्या चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 2 मीटिंग अभी तक हो चुकी है। इसमें विभिन्नता हो सकती है सभी की, हो सकती है। तो उसमें वो लोगों का कहना है कि कम इसमें आप पालकी निकालिए, लेकिन वो लोग राजी नहीं है। तो 2 मीटिंग जो है वो उसके बारे में अभी तक हो चुकी है। 3री मीटिंग अभी 4 दिन होने वाली है। तीसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि एस्कॉन जो है, एस्कॉन की ओर से इन 50 दिनों में 50 लाख लोगों को बजाज और एस्कॉन की तरफ से कराया गया पूना में। ये एक अच्छी खबर है। क्या कराया गया? पचास दिनों में 50 लाख लोगों को भोजन कराया गया। एक मिनट में लेना चाहूंगा, ये जो भोजन के जो कार्यक्रम है इन्होंने अपने हाईवे पे बायपास पे रखने के बजाय जहाँ जहाँ ये रेसिडेंशियल लेबर्स थे 1.5-2 महीने से पड़े थे, उस तरह से वहीं अगर उनको एश्योर कराते कि आपको खाना मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा, दवा पानी मिल जाएगा, आप गांव जाने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ ही दिन में लॉकडाउन खुल के इंडस्ट्री चालू होगी, और पार्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इंडस्ट्रीज पे दे देते तो शायद इतनी भयानक परिस्थिति आज आप देखने को नहीं मिले। डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं वो सरकार का प्रयत्न बोल रहे हैं, और रेलवे पे और हाईवे पे जिन्होंने रस्ते में किया वो सॉरी सोशल संस्थाओं ने किया। अब सोशल संस्था जैसे जब तक आप एनजीओ को साथ में लेते नहीं, सोशल संगठनों को साथ में लेते नहीं, इस पे मात करना डिफिकल्ट है। आप ये जो डोनेशन वाला भी जो काम है, माइग्रेशन बॉम्बे पूना से हो रहा, अमरावती वाली सोशल संस्था बॉम्बे पूना क्यों जाएगी? एक स्वाभाविक प्रश्न है। अमरावती के लेबर तो अमरावती के लेबर का माइग्रेशन नहीं है ना, बहुत ज्यादा माइग्रेशन नहीं है अमरावती में, सब उनको जाना है। यहाँ अमरावती की यदि बात करें तो अमरावती में कहीं भी आज तक कोई भूखा नहीं रहा अमरावती में। आज भी सब लोगों ने किया कि किसी को भी लगता है खाना तो यहाँ देंगे। अमरावती की प्रॉपर यदि बात करें तो बॉम्बे जितनी यहाँ पे ये नहीं है ना। नहीं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, सिर्फ अमरावती की बात नहीं कर रहे हैं डॉक्टर। नहीं, अपन बॉम्बे पुणे से अमरावती को कम आपका ये फर्क आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह से पॉलिसी गवर्नमेंट ने होनी चाहिए। हाँ, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, माइग्रेशन को रोकने की पॉलिसी बननी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वही हुआ कि जो लॉकडाउन किया गया उस लॉकडाउन को प्रॉपर स्टडीड वे से नहीं किया गया, और अभी भी जो लॉकडाउन 4.0 है उसको भी लॉकडाउन करके घोषित कर दिया गया, लेकिन इससे हासिल क्या होगा इसका कोई भी प्रॉपर डायग्राम या पूरे लॉकडाउन में यदि कोई चीज का असर हुआ तो लेबर का माइग्रेशन हो, यह सबसे बड़ा असर हुआ, सबसे बड़ा। वो आपको सबको मिला, रोजगार कल आ जाएगा, लोग कर्जा लेके काम करेंगे, लेकिन लेबर वापस आएगा कि नहीं आएगा इसके लिए कोई अभी मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का घोषणा है, कम से कम 2 साल के लिए। मुझे लगता है इमरान, हमें कंक्लूड भी करना पड़ेगा क्योंकि समय के हमारे पास में कमी है। एक अच्छी खबर आप लोगों को और दे दूं मैं। लावा जो मोबाइल कंपनी है, लावा मोबाइल कंपनी जो है, जिसका लगभग सालाना कारोबार जो है वो 1,000 करोड़ का कारोबार करती है लावा कंपनी, इसका जितना चाइना में इन्वेस्टमेंट था वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, और 3 सालों में, और 3 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में करने जा रहे हैं, और उनके 3 मोबाइल के यूनिट लगने जा रहे हैं इंडिया में। उनके जो एमडी हैं हरिओम राय,
उनका एक कथन है कि 3 साल में 800 करोड़ रुपए हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और चाइना का पूरा पैकअप करके इंडिया में हम लोग आ रहे हैं। तो ये तो ये जो जैसे आपने एक उदाहरण दिया, ऐसे तो अब भारत में इन्वेस्टर्स तो अब कई आएंगे और हम इस पर भी आगे चल के बात करते रहेंगे। इमरान, आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? जी जी, मैं यही बोल रहा था, जब अगर लॉकडाउन की शुरुआत जब 24 मार्च के दिन शुरू हुई थी, जैसे बांग्लादेश में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लॉकडाउन की शुरुआत की थी, उन्होंने 10 तारीख को जब घोषणा की कि 15 तारीख से हम लॉकडाउन करने वाले हैं, ये 5 दिन में अपनी अपनी सब लोग व्यवस्था कर दीजिए, इस प्रकार भी अपने यहाँ शायद लॉकडाउन शुरू हो सकता था। और पूरे देश को पहले से पता था कि ये कोरोना जो वायरस जो शुरू हुआ है ये बहुत बड़े पैमाने में 3 महीने तक तो जाने वाला नहीं, 3 से 4 महीने तक के प्री प्लानिंग थी। तो ये व्यवस्था इनकी क्यों नहीं गई? जैसे आप देखें कि जो जितने भी मजदूर थे, अगर उनकी व्यवस्था अगर पहले से की जाती, शायद जो आप सर ने कहा था, अविनाश सर ने कहा था कि मजदूरों को उनके रेसिडेंट में क्यों ना अनाज प्रोवाइड किया जाए, ये अगर व्यवस्था अगर पहले कर देते तो शायद इस तरह का पलायन ना होता। पलायन का पीछे दूसरा कारण ये भी है कि कोरोना का इतना हवा कर दिया गया कि कभी ठीक ही नहीं होगा। जब उसको पता है कि मुझे 2 साल यहाँ काम ही नहीं मिल रहा, और खाना तो समझो नहीं मिला बहुत जगह नहीं, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि हमको 2 साल तक इनको कोई स्टेबिलिटी नहीं लगी। सरकार वो चीज बताने में कि भाई ये कुछ दिन का क्षणिक मामला है, कुछ दिन बाद में शांत हो जाएगा, ये बताने में विफल रही। नहीं तो शायद 2 महीने के लिए पलायन कोई नहीं करता, मुझे लगता है ऐसा नहीं करता। ये मुद्दे देखिए, एक जो मुद्दे हैं मुद्दे पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएंगी, आपकी हमारी कुछ अलग रहेगी, और हम ऐसे ही पैनल्स के साथ में और भी आगे बात करते रहेंगे, विषय अलग होंगे और चर्चाएं भी जारी रहेगी, क्योंकि अब ये सिलसिला जो है लगातार चलते रहेगा। मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूँ कि वह हमसे ज्वाइन हुए और बातचीत की, ऐसी बातचीत हम आगे भी करते रहेंगे, हमारे दर्शकों को हम ताजा जानकारी देते रहेंगे। आप सभी का फिर से एक बार और धन्यवाद, लेते हैं विदाई, आप बने रहे हमारे साथ में।